Children, coming on to the next session. Today we are going to start off with geography. In geography, we are going to learn the chapter. This is the last chapter. It is the name of the chapter is Tourism in Switzerland. All of you know, I heard that you all have heard the name of the Switzerland. Switzerland का नाम जरूर सुना होगा और सबकी ख्वाहिश भी होगी कि जब लोग बड़े हों तो एक बार अगर यूरोप में घूमना चाहेंगे तो स्विट्जरलैंड जरूर जाना चाहेंगे. तो यू वुड लाइक टू गो टू स्विट्जरलैंड, बट व्हाई डू पीपल लाइक टू गो टू स्विट्जरलैंड? ऐसा क्या है वहाँ पे जो लोग इतना पसंद करते हैं स्विट्जरलैंड जाने के? तो फॉर एग्जाम्पल लाइक आप अगर कहीं पे भी जाने के लिए सोचते हैं तो आप क्या देखते हैं? विच प्लेस डू यू लाइक टू गो? आप लोग देखेंगे कि उस प्लेस में ग्रीनरी हो, माउंटेन्स हो, लेक हो, पानी हो, उसकी सीनरीज बहुत अच्छी हो, वैलीज हो, हिल्स हो. नेक्स्ट वहाँ पे जो है काम हो, बड़ा पीसफुल एरिया हो, पीस हो, तो यू ऑल विल सी इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तब उस जगह पे कुछ नेचुरल ब्यूटी होगी जिसको देखने आप जाएंगे, या तो फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हो. तो दिस स्विट्जरलैंड इट हैज़ गॉट मैनी नेचुरल ब्यूटीज है यहाँ पे, दैट इज़ वाई द पीपल लाइक टू गो टू स्विट्जरलैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इज स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड है कहाँ पे? इट इज़ इन यूरोप. आप सब कहते हैं कि स्विट्जरलैंड इज इन यूरोप. इट इज़ अ माउंटेनियस सेंट्रल यूरोपियन कंट्री. इट इज़ अ माउंटेनियस मीन्स यहाँ पे कई मतलब इस ये नॉर्थ में एंड साउथ में बोथ द साइड्स आर सराउंडेड बाय द माउंटेंस. दे हैव गॉट बिग माउंटेंस हियर एंड इट्स लोकेशन इज अगर हम लैटिट्यूड में देखें तो इट इज़ लोकेटेड इन द 45 डिग्री टू 48 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इन द लॉन्गिट्यूड इट इज 5 डिग्री टू 11 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इट मीन्स दैट स्विट्जरलैंड फॉल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. ये फुल्ली नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है स्विट्जरलैंड. नाउ नेक्स्ट थिंग, इट हैज़ मेनी हाई पीक्स. अभी हमने बोला कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू अ टूरिस्ट प्लेस तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं? यू सी कि वहाँ पर अच्छे अच्छे हिल्स हों, माउंटेन्स हों, लेक्स हों, पानी हो, मतलब नेचुरल ब्यूटी यू सी. तो द सेम इज़ हियर, यहाँ पर बहुत हाई पीक्स हैं, एल्प्स हैं, माउंटेन्स हैं एंड वैलीज आर देयर, लेक्स ऑफ देयर आर मेनी लेक्स इन स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट, इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री. लैंड लॉक्ड कंट्री मीन्स इट इज़ सराउंडेड बाई लैंड ऑन ऑल द साइड्स. हाँ, इट इज़ अ लैंड लॉक्ड मीन्स अगर ये यहाँ पे है, इफ इट इज सिचुएटेड हियर, सपोज स्विट्जरलैंड इज हियर, मतलब इसके चारों तरफ जो कंट्रीज ये है लैंड है, देर इज नो वाटर, किसी भी साइड से वाटर से घिरी नहीं है. इट इज सराउंडेड बाई लैंड ऑन ऑल द साइड्स. इट हैज इट इज इन अ सेंट्रल यूरोप एंड इट इज सराउंडेड बाई 5 कंट्रीज ऑफ द यूरोप लाइक ऑस्ट्रिया एंड लिचेस्टेन इन द ईस्ट. ईस्ट में ये ऑस्ट्रिया एंड लिचेस्टेन से है. इन द वेस्ट इट इज फ्रांस. फ्रांस है वेस्ट में. नॉर्थ में इसके जर्मनी है एंड इन साउथ इट हैज गॉट इटली. ईस्ट में इट हैज गॉट ऑस्ट्रिया एंड लिचेस्टेन, वेस्ट में इट हैज गॉट फ्रांस, नॉर्थ में इट हैज गॉट जर्मनी एंड इन साउथ इट इज कवर्ड बाय इटली. साउथ में इट इज कवर्ड बाय इटली. व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म? अब यहाँ पे इतना टूरिज्म, इट इज पॉपुलर फॉर टूरिज्म. Why? What were the factors which were responsible for the growth of tourism in Switzerland? वहाँ पे ऐसा क्या था कि वहाँ पे tourism इतना develop हुआ? First is, I have told the reasons. You see, the first is physical features. वहाँ के जो physical features हैं, that were responsible for the development of tourism in Switzerland. Like there were high peaks, Alps were there, and valleys were there, hills were there, and lakes were there, which attracted the people towards them. It's natural beauty. And the second factor is socio-economic factor that we will discuss in later. In that we can tell about the transport and accommodation. Ki matlab pe pahunchne ka matlab jo zariya hai transportation, it is very good and accommodation is very good. Wahan pe facilities bahut hain. Next is the climate also you see. Aisa nahi hai ki aap ek desert area mein jaake wahan pe bahut khush honge and rehna pasand karenge. No, the climate is also very good for the growth of tourism. Now first is physical features. In physical features mein, first of all we will tell you that it is covered by 60% yahan pe mountains hai. It is yahan pe 60% is, it is Switzerland is covered with the mountains and isme jo south mein mountains hai wo hai Alps range aur north mein yahan pe Jura range. North mein kaun se range mountains hai?
mountains, and in the south it is covered by Alps Ridge mountain. Next, it is covered by river valley also, and is again river valley, the valleys which are fed by the rivers. Or कौन-कौन से rivers हैं जो इन valleys को fed करती हैं? These are Rhine, Rhone, Pixium, and this Alps Range in south and Jura Range in north. ये जो हैं इनके बीच में बहुत सारे mountain hills भी हैं. In between यहाँ पे rolling hills हैं and बहुत ही fertile plains हैं, because they जो rivers हैं वो यहाँ से बहती हैं, तो the area आप सब जानते हैं वो area जहाँ से रिवर निकलती हो, दे आर आर वेरी फर्टाइल. तो यहाँ पे ये जो इनके बीच का एरिया है वो बड़ा ही फर्टाइल भी है. इट इज वेरी फर्टाइल ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज, फर्स्ट इज द माउंटेन्स, एंड द सेकेंड इज दैट देर आर मेनी लेक्स इन स्विट्जरलैंड. यहाँ स्विट्जरलैंड में बहुत सारी लेक्स हैं. लाइक द इसमें जो सबसे बड़ी लेक है, इट इज द स्विस लेक. और इसके अलावा यहाँ पे न्यूजरटेल है, कॉन्टेल्स है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स यहाँ पे. तो दीज आर द थिंग्स विच अट्रैक्ट द पीपल टू गो टू स्विट्जरलैंड एंड हैव फन देयर. वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं. ये इसके फिजिकल फीचर्स हैं. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट टुमारो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स एंड द क्लाइमेट विच हैव अट्रैक्टेड द पीपल टुवर्ड्स द टूरिज्म इन स्विट्जरलैंड, जो रिस्पॉन्सिबल है टूरिज्म इन स्विट्जरलैंड के लिए. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्लेसेज विच आर वर्थ टू सी इन स्विट्जरलैंड, वो जगह जो हमें स्विट्जरलैंड में देखने के लिए आकर्षित करती हैं. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. प्लीज गो थ्रू द वीडियो केयरफुली एंड चिल्ड्रन बी रेडी विद योर क्वेश्चंस व्हेन द लाइव सेशन कम्स. यू विल बी हैविंग लाइव सेशंस इन 3 days, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी, टेक्स्ट मी या कॉल. थैंक यू स्टूडेंट्स.